अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आया हूँ एक बहुत बड़ी सब्ज़ी की दुकान पे, और इधर सब्ज़ी की दुकान पे आने का मकसद मेरा ये है कि आपको बताया जाए ये सैलाब की सूरत हाल है, और सिंध में जैसे हालिया सैलाब आया है उसकी वजह से कितनी परेशानी हो रही है, और ये चीज़ें कितनी महंगी हो चुकी हैं, और उसके बाद ये आवाम को क्या किलो पड़ रही हैं, और इतनी महंगी क्यों पड़ रही हैं, और ये टमाटर जो है ये इतना महंगा क्यों हुआ, और अब ये ईरान से आ रहा है तो ये कितने का आ रहा है। और ये सारी सब्ज़ियाँ देखें आप, फ्रेश सब्ज़ियाँ बिल्कुल, और ये होल सेल की बड़ी दुकान है, तो मैंने बोला इनसे ज़रा रेट लें और इनसे पता करें कि क्या हिसाब है और कितने कितने की चीज़ें। और ये देखें, और ये देखें फ्रेश फ्रेश तोरियाँ आ रही हैं, बंद गोभियाँ, और ये खीरों की इस तरह, और ये देखें टमाटर आ रहा है, नींबू और खीरे। और ये सब्ज़ी वाले भाई से भी बात करते हैं, ओनर से दुकान के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई क्या नाम है? सद्दाम हुसैन। ये बताएं भाई कि आजकल सब्ज़ी क्या चल रही है, कितने की चल रही है? बाकी तो हम वीडियो बनाते रहते हैं शहर की, आज मैंने बोला जो रोज़मर्रा की चीज़ें और जो सब्ज़ी के रेट इस टाइम चले हुए हैं, टमाटरों के, प्याज के, और ये सारी सब्ज़ियों के, सैलाब के बाद क्या सूरत हाल है? सब्ज़ी कम आ रही है अभी इस वजह से कि बारिशें बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं। सिंध में, बलोचिस्तान में यहाँ की सब्ज़ी आती है सारी, हाँ, बाकी मलेर नदी की ये सब भर गया अपनी। अच्छा, तो इसकी वजह से सब्ज़ी बहुत कम आ रही है, हाँ, तो उस वजह से रेट ज़्यादा है, लेकिन अभी माशाल्लाह इस तरह से जा रहे हैं। अच्छा, आ रही है पंजाब से भी आ रही है अभी सब्ज़ी। अभी टमाटर क्या चल रहा है? टमाटर भी अभी कम हो गया रेट, प्याज का रेट भी जो है कम हो गया मंगवाया। अच्छा, ये आपके पास कौन सा टमाटर पड़ा हुआ है जो सामने पड़ा हुआ है? ये कोयटा का टमाटर ये लाया, आज ईरान का टमाटर मिला है। कोयटा का टमाटर लाया, तो कोयटा का टमाटर ही 40 का रेट है। अच्छा, होलसेल पे 120 का रेट है। होलसेल पे 120 रुपये दे रहे हैं आप? प्याज 60 रुपये होलसेल पे, तो आलू जो है 60 रुपये होलसेल पे। लाल आलू 80 रुपये किलो। लाल आलू यानी कौन सा? पाकिस्तानी लाल आलू जो है, नया जो आलू है वो 80 रुपये। सब्ज़ियाँ सही है तकरीबन 150 से लेके 150 180 70 रेट से। अच्छा, ये कुछ हमारे को ये रेट बताएंगे इसके, जैसे ये बैंगन है, बैंगन क्या किलो है? बैंगन 150 रुपये, फूल गोभी 160 रुपये। अच्छा, पूरी 120 रुपये, तो इस हिसाब से भी रेट चल रहे हैं। अच्छा, सब्ज़ी आ गई है तो रेट और कम हो जाएंगे इंशाल्लाह आगे। लेकिन मुश्किलात है, दोबारा बारिश आ गई है तो मंडी में पानी बहुत भर गया, बड़ी मुश्किल से सब्ज़ियाँ खरीद रही हैं, बड़ा मसला हो गया। अच्छा, बारिश होने से बड़ा फ़र्क हो रहा है, रास्ता भी बंद हो जाता है ना। हाँ, रास्ता बंद होने की वजह से बहुत कम सब्ज़ी आई है। ठीक है, तो इंशाल्लाह लोगों को यानी सस्ती चीज़ें मिलेंगी, सस्ती सब्ज़ी मिलेगी अब आगे इंशाल्लाह, सस्ती हो जाएगी। और अच्छा, आप लोग भी कम करेंगे मंडी से जो ला के इधर बेचते हैं, आप लोग भी कम करेंगे? जी, मुनासिब रेट बिल्कुल, जो आए भाई जो वीडियो देखते हैं शेयर करें आए उनको बिल्कुल मुनासिब रेट पर सब्ज़ी चले जी। और बिल्कुल सारी सब्ज़ियाँ फ्रेश आती है हमारे पास, और अभी हम लोग लाएँ लगा रहे हैं, और ये भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दें कमर रियाज के नाम से। ठीक, ये देख लें जी ये सब्ज़ियाँ, और ये देखें सब्ज़ियाँ आ रही हैं बिल्कुल फ्रेश फ्रेश। ये देखिए ये आलू, हाँ ये देखें ये आलू, ये देखें, और ये देखें बैंगन साफ़ सुथरे, हर चीज़ साफ़ सुथरी। तो चलें गाइस, मैंने बोला आपको जो है ना एक रोज़मर्रा की जो चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं इसकी सब्ज़ी की एक वीडियो दिखानी चाहिए। चलें गाइस, वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, मेरे चैनल कमर रियाज को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।